वेलकम बैक एवरी वन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपी पीसीएस अपर सबॉर्डिनेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 61 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। ये है टेस्ट नंबर 62, इम्पोर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से। एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं, सबका प्ले लिस्ट बना रखा है और प्लेलिस्ट का लिंक हर टेस्ट के नीचे नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको विजिट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो प्रश्न क्रमांक संख्या एक है, भारत के किस राज्य में रैट हॉल खनन किया जाता है? कहां पर किया जाता है इनमें से रैट हॉल खनन? ये किया जाता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय। तो भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्ष सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोबाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन जनजातीय परिवारों के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट हॉल खनिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस या किन चट्टानों के संस्तर या परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? किन में? यह होता है अवसादी चट्टान में। किस में होता है? अवसादी चट्टान में। तो देखिए, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तर या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण संचयन में जमाव का परिणाम है, और कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि का अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेष रूप से शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कौन सा बनता है इनमें? तो यह बनता है वॉक्साइट। तो देखिए, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। वॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में पाए जाते हैं? कौन से हैं वो जो आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जस्ता है और तांबा है, सीसा है, कोयला नहीं है। कोयले को एलिमिनेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 134। तो 134 सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं में जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से किस लोह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? किनका होता है? तो यह होता है इनमें से मैग्नेटाइट का सबसे ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटाइट, जो कि सर्वोत्तम प्रकार का एक लोह अयस्क है तथा इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। और भारत में कुडप्पा और धारवाड़ युग की अवसादी तथा आग्नेय शैलों में लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन से लोह अयस्क के खनन क्षेत्र हैं? कौन से हैं इनमें लोह अयस्क के खनन क्षेत्र? तो बादाम पहाड़ है, थंबनेल का प्रश्न है, सिंहभूमि है, मैकाल पहाड़ नहीं है, नेल्लोर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। तो देखिए, बादाम पहाड़ और सिंहभूमि लोह अयस्क का खनन किया जाता है इनमें, और उड़ीसा में उच्च कोटि का जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट किस्म का जो लोह अयस्क है वो मयूरभंज और केंदुचर। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्या हो गया? लोह अयस्क का ही तो प्रकार हो गया एक तरह से,
बादाम पहाड़ इसका आंसर, जो एक थंबनेल में प्रश्न था, बादाम पहाड़, सिंहभूमि, मयूरभंज भी है, मैकाल पहाड़ नहीं है वहाँ पर। तो बादाम पहाड़ जो है खाद्यान्नों से निकाला जाता है क्या? मयूरभंज और केंदुझर, मयूरभंज और केंदुझर, मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ों से निकाला जाता है हेमेटाइट, और इसी के निकट झारखंड के सिंहभूमि जिले के गुआ और नुआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है? किससे किया जाता है? ये बॉक्साइट से किया जाता है। तो देखिए, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाई जाती है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्की व सुचालक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए, बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो अमरकंटक पठार में हैं और कहाँ पर है? मैकाल पहाड़ में है, अमरकंटक पठार और मैकाल पहाड़ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो अमरकंटक पठार और मैकाल पहाड़ों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओडिशा का भारत सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है, तो इम्पोर्टेंट है ओडिशा जो भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। यहाँ कोरापुट जिले के पंचपतमाली में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, BCS जैसी परीक्षाओं का फेवरेट। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत बहुत बार रिवाइज किया कराया होगा एग्ज़ाम में, मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ कराता रहता हूँ। तो पेट्रोलियम है यहाँ पर परंपरागत स्रोत, और जल विद्युत भी है परंपरागत स्रोत, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत स्रोत है, लेकिन बायोगैस नहीं है। तो 1 to 4 हो जाएगा इसका। परंपरागत मतलब परंपरा चली आ रही है, पेट्रोलियम संसाधन को नष्ट करे जा रहे हो, जल विद्युत को नष्ट करे जा रहे हो, प्राकृतिक गैस को नष्ट करे जा रहे हो, तो यही सब है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 to 4। तो देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित हैं। अब आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में, अलग कर लीजिए इनको, बहुत पूछते हैं अलग करने को। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा, ये जो हैं गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? इनमें से बताइए, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? एंथ्रेसाइट कोयला, 90% कार्बन होता है इसमें, तो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों में कोयले के जमा पाए जाते हैं? किन में? गोदावरी में भी है, महानदी में भी है, सोन में भी है, लेकिन कावेरी में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जो जमाव हैं वो पाए जाते हैं, ध्यान देना कावेरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस राज्य के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का कोरबा किसके लिए? कोयले के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कोरबे से कोयले का खनन किया जाता है। प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि कोरबे से निकलता है कोयला, अब ये कोरबा कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो रही है, गोंडवाना इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि गोंडवाना में क्या, वहाँ तो क्या है, कोयला है, और पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो रही है तो टर्शरी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उत्पत्ति या उपस्थिति टर्शरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर भूतापीय मतलब जियो थर्मल ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? इनमें से कहाँ पर? पार्वती घाटी और पूगा घाटी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में नहीं है, इंदौर में नहीं है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं,
एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ है परमाणु ऊर्जा केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य और ये है कूट। अब बताइए किसका मिलान कहां पर किया जाए। तो देखिए काकरापार तो गुजरात में है, पहले भी बताया होगा कई बार, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, बहुत पूछा जाता है इनको, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तो बी कर दीजिए इसका आंसर। तो काकरापार गुजरात में भारत में स्थित ये परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम और कुदनकुलन दोनों तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में। अब जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र और कुदनकुलम भी बहुत पूछते हैं, कलपक्कम भी बहुत पूछते हैं, उत्तर प्रदेश वाला तो पता ही होगा नरोरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर, थोरियम। जी बिल्कुल इसका आंसर थोरियम है। तो केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में पाया जाता है थोरियम, जिसका उपयोग आणविक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, किन में पाई जाती है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार, इन सभी में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी जगह प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है नेवेली में। तो लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों और उनके राज्यों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो बेबर राजस्थान करेक्ट है, नेल्लोर तमिलनाडु गलत है, हजारीबाग झारखंड करेक्ट है, तो ए और थ्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अभ्रक उत्पादन क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य बेबर अजमेर जो राजस्थान में, नेल्लोर तमिलनाडु नहीं था आंध्र प्रदेश में है वो, हजारीबाग झारखंड में, गया है पटना में, इन सभी में मिलता है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से, नमक तो पता ही होगा, ये तो होगा ही होगा, नमक तो होगा ही होगा, मैग्नीशियम भी जल से ही मिलेगा, अभ्रक आपको जल से नहीं मिलेगा और ब्रोमाइन भी जल से मिलेगा, तो 1, 2, 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं लेकिन इसमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक समर्थता या सार्थकता कम है, फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं, महासागरीय तली मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। तो 20 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, स्कोर रखेंगे 17 तक आपके करेक्ट होने चाहिए, थोड़ा सा टफ था ये सेट, तो इसको चलो 15 तक कर लेते हैं, 15 तक करेक्ट कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और जुड़ जाइए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को सही टाइम पर प्राप्त करने के लिए, बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, 10 MCQ, 15 MCQ, 50 MCQ, अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, ऑब्जेक्टिव है तो OMR की प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उनका लिंक प्लेलिस्ट में नीचे बना रखा है, हर वीडियो के नीचे देख लीजिए। सो लेसन देखने के लिए धन्यवाद।